हेलो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आज हम बात करेंगे मिनी चांदनी के प्लांट के बारे में। इसमें दो तीन वैरायटीज़ और भी आती है। एक डबल पेटल की वैरायटी आती है और एक जो आप जैसे हम चांदनी केला बोलते हैं जिस प्लांट को, एक वो वैरायटी आती है। उसके फ्लावर का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है और ये जो प्लांट आप देख रहे हो ये मिनी चांदनी का प्लांट है। अगर हम बात करें इसको ग्रो करने की, तो जैसे मैं आप देख रहे हो मेरा प्लांट काफ़ी छोटा था, तो मैंने इसको 10 इंच के पॉट में ग्रो किया हुआ है और इसने 6 से 7 महीने के बाद इसने फ्लावरिंग शुरू की है। और फ्लावरिंग सीज़न इसका गर्मियों का ही होता है, जैसे अप्रैल से अक्टूबर के बीच तक ये इसका फ्लावरिंग सीजन होता है, क्योंकि सर्दियों में ये प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है। तो इसकी सोइल मिक्स की बात करें तो सोइल मिक्स पर मैं एक ही सा गार्डन सोइल, एक ही सा सैंड और एक ही सा गोबर की 2 साल पुरानी 3 साल पुरानी या खाद मिलती है, तो वो आप इसमें ऐड कीजिए। आप इसको लगाइए और ये बहुत ही अच्छा आपका प्लांट चलेगा और बहुत ही अच्छा ये अपनी ग्रोथ जो है पकड़ लेगा। तो इसकी अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करें तो फर्टिलाइज़र इसको गर्मियों में ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जब इसका फ्लावरिंग सीज़न होता है। तो तब आप इसको महीने में एक बार वर्मिंग कंपोस्ट दे दीजिए या फिर ड्राई बनाना पील्स के सिलके जो होते हैं वो आप इसको दे सकते हैं। और वर्मिंग कंपोस्ट से इसकी जो सोइल है वो भी एस्टिक हो जाएगी, क्योंकि इसको एस्टिक सोइल पसंद है और जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो इसी से ये प्लांट ये ले लेता है। तो इसी से आपका प्लांट जो अच्छा चलता रहेगा। तो वाटरिंग की बात करें तो वाटरिंग इसको चेक करके कीजिए, और जो सोइल है आप बिल्कुल फुल वेल ड्रेन इसकी होनी चाहिए, क्योंकि तो जितना इसको पानी चाहिए उतना ये रखे, बाकी इसका जो एक्स्ट्रा जो पानी है वो ड्रेनेज आउट हो जाए। तो वाटरिंग इसको चेक करके कीजिए और कंडीशन इसको फुल सनलाइट वाली जगह पर आप इसको रखिए, क्योंकि ये हैज की वराइटी है और इसको फुल सनलाइट में हम रखते हैं तभी आपका प्लांट जो है अच्छे से ये ग्रोथ करता है। सबसे पहली बात ये है, इस प्लांट को फुल सनलाइट चाहिए, बाकी फर्टिलाइजर वगैरह सब उसके बाद की बात है, वो भी इसको चाहिए, लेकिन इसको आप फुल सनलाइट में ग्रो कीजिए। फिर आपका प्लांट जो है अच्छे से फ्लावरिंग भी करेगा और अच्छे से आपके प्लांट की ग्रोथ भी होती रहेगी। उसके जो लीव्स का आप कलर्स देख रहे हो वो भी मेंटेन रहेगा ग्रीन। तो ये हेज की वैरायटी होती है, इसलिए आप इसको फुल सनलाइट में ही रखिए। तो अगली बात हम करें कि इसको रिपोर्टिंग की, जब आपका प्लांट थोड़ा आपको लगता है कि अभी थोड़ा प्लांट आपका मेच्योर होना हो रहा है और अच्छे से इसने ग्रोथ पकड़ ली है, तो अभी इसको इसके लिए ये जो पोट है छोटा पड़ रहा है, तो आप इसको 2 साल के बाद आप इसको रिपोर्टिंग कर सकते हो। जैसे आप ये देख रहे हो मेरा प्लांट, आप हिसाब लगा सकते हो कि ये मेरा प्लांट 7 महीने पुराना प्लांट है और ये काफ़ी छोटा प्लांट था, तो अभी इसने ग्रोथ किया और फर्स्ट टाइम इस पर फ्लावरिंग शुरू हुई है। तो अभी मैं इसको रिपोर्टिंग नहीं करूँगी, क्योंकि अभी 1 साल तक ये प्लांट इसी पॉट में चल सकता है। इसके बाद हम मैं इसको थोड़े गमले बड़े गमले में इसको शिफ्ट करूँगी जब 1 साल बाद इसको। तो आप भी ये इसका ध्यान जरूर रखिए। और वैसे ये काफ़ी हार्डी प्लांट होता है, आसानी से आप इसको ग्रो कर सकते हो और काफ़ी खूबसूरत प्लांट भी होता है। और अगर हम बात करें कि ज़मीन में लगाने की, तो ज़मीन में इसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है और आप कोई भी कंडीशन में आप इसको कटिंग करके ग्रो कर सकते हो। और बोनसाई बनाने के लिए तो एक बहुत परफेक्ट प्लांट ये माना जाता है, क्योंकि इसकी लीव छोटी होती है, जैसे जैसे हम इसको प्रूनिंग करते जाएंगे इसकी ऊपर से, और ये वही शेप में ये ढलता जाता है और बहुत परफेक्ट ऑप्शन होता है ये बोनसाई तैयार करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी मिनी चांदनी के प्लांट में थोड़ी सी जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।